टेक निकल सहायता के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष टैग गुरुचर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले खराब टीवी के किट से एम्पलीफायर बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि किस तरीके से इसे एम्पलीफायर, लेकिन आज हम इसको निकाल कर काट कर बिल्कुल प्रॉपर एम्पलीफायर बनाएंगे इस बॉक्स में। जैसे कि ये मेरा बॉक्स था पिछला, जिसमें मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स के एम्पलीफायर, जैसे मैंने 44 आईसी बोर्ड को काट कर इसमें एम्पलीफायर फिट किया था, ये वही बॉक्स है। आज हम इसमें इस वाले बोर्ड को काट कर और इसमें प्रॉपर एम्पलीफायर बनाकर दिखाएंगे। इसकी जो वायर है वो बारी बारी से समझेंगे, एक एक वायर को अच्छी तरह से समझेंगे और एक बेहतरीन एम्पलीफायर बनाकर देखेंगे। फ्रेंड्स, आप भी जो टीवी की खराब किट होती है उससे एक अच्छा खासा एम्पलीफायर बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ऑल पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने जैसा बताया था पिछली वीडियो में, आपको ऑडियो सेक्शन में पहचानना है, फिर उसके बाद आपको उस पर ही काम करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ऑडियो सेक्शन है मेरा, तो वो यहाँ से लेके इस वाली जगह से लेके यहाँ तक है। इस वाले से ये इतने कंपोनेंट है, इसको ये मेरा ऑडियो सेक्शन है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी इसको आरी से काटता हूँ और इतना इतना यहाँ से बोर्ड निकाल ले रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगा इसमें क्या काम करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम जल्दी से काट लेते हैं, फिर उसके बाद उसको वायरिंग करेंगे और एम्पलीफायर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सावधानी पूर्वक इस बोर्ड को काट लेना है, बस आपको पहचानना वही है जहां पर है आपका ऑडियो सेक्शन, जहां पर बोल सकते हैं एम्पलीफायर सेक्शन। तो फ्रेंड्स, मेरा है ये वाला आईसी से, तो मैं इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से काट ले रहा हूँ। चाहे आप एक आध दो कंपोनेंट ज़्यादा काट लें, लेकिन गलत ना काटें। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको काट ले रहा हूँ। और फ्रेंड्स बता दूं, आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए तभी इस पर काम करना है, अन्यथा ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आपको करंट भी लग सकता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने इसका ये टुकड़ा है ये काट लिया है। आपको मैं दिखा दूं, ये है वो हमारा है एम्पलीफायर। तो टीवी की किट में ये एम्पलीफायर लगा होता है। तो आप इसकी अगर आईसी की वैल्यू देखना चाहें तो मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। इसकी जो वैल्यू है LA42102N, इसकी आईसी की वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, ये है एम्पलीफायर। आज हम इस बोर्ड से एक पावरफुल एम्पलीफायर बनाएंगे। आप देखते हैं कि टीवी की जो एलजी की टीवी की किट होती है उसमें कितना ज़्यादा आवाज़ होता है, वो इसी आईसी के थ्रू निकलता है और इसके आसपास लगे कंपोनेंट से निकलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कई सारी आईसीओ को ऐसे ही काट दिया है, लेकिन इसमें जो ज़रूरत बनती है जिससे हमारा एम्पलीफायर चलेगा, वो आईसी अभी भी इसमें मौजूद है और कंपोनेंट भी मौजूद हैं। अगर आप भी काटते तो कुछ इसका एक्स्ट्रा काट लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एम्पलीफायर बनाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस किट को साइड में रखता हूँ और इसके बाद फिर इसके हम काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी वायरिंग करने से पहले हम सबसे पहले अपनी जो डिबिया में जो लगे सभी कंपोनेंट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मैंने अभी बताया था ये जो वर्क करेगी, किस तरीके से कौन सा वायर कहाँ के लिए है, ये सब कुछ पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्पीकर के वायर, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये हमारे हमारे स्पीकर के वायर और ये मैंने बंद चालू करने के लिए लगाए, क्योंकि जब भी हम जैसे स्पीकर के वायर हटाएंगे तो इस वाले में इसका साउंड आएगा। तो देखो, ये अलग स्पीकर के वायर है, मतलब ये भी स्पीकर के वायर है, क्योंकि पीछे से आउटपुट देने के लिए, मतलब सॉरी पीछे से आउटपुट लेने के लिए स्पीकर का जो आउटपुट निकलेगा वो, और इस जगह जो मैंने दे रखा है ये डायरेक्टली स्पीकर का वायर है। और देखो, साइड में ये दे रखा है ऑक्स लीड का, जिससे हम फ़ोन से कनेक्ट करके या टीवी से कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ, देखो इतने वायर हो चुके, अब जो बात आती है इस जगह, देखो यहाँ पर दे रखा है, देखो इसके देखो 7805 आईसी से इसके तार जुड़े हैं और उससे जुड़े हैं एलईडी से। और फ्रेंड, अगर आपको 7805 आईसी की वायर नहीं आती तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ये देखो इधर साइड से ये रहे जा रहे हैं 5 वोल्ट, इधर साइड मतलब 5 वोल्ट निकलेंगे, और इधर साइड्स की जो दो पिन है, इसकी बीच वाली जो पिन है उससे माइनस पॉइंट, इधर साइड से प्लस पॉइंट, और इधर साइड में आउटपुट होके
निकल के आएंगे 5 वोल्ट। और इसके बाद इसमें मैंने जो LED 3 लगा रखी हैं, जैसे पिछली वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखी तो मैं उसकी इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर जो 3 एलईडी लाइट लगी थी, चूँकि डिबिया ये प्लास्टिक के बॉक्सेस में 3 एलईडी लाइट अच्छी तरह ग्लो करेंगे, तो इस तरीके से इसके 2 वायर मैंने निकाल दिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो फ्रेंड्स वॉल्यूम के कनेक्शन मैंने आपको कई बार अपनी वीडियो में बताया है, 3 पिन इसकी होती है, मतलब 3 जो होते हैं वायर इसके होते हैं, तो लेफ्ट राइट और बीच का होता है ग्राउंड। तो मैं आपको बता दूं, देखो लेफ्ट राइट इस कार्ड के लगते हैं, 6 पिन का वॉल्यूम लेना तो इधर साइड में इसके लेफ्ट राइट लगेंगे, इधर पहली वाली पिन और सेकंड वाली पिन पे इसके लेफ्ट राइट लग जाएंगे, या इधर से कहो तो आपका इस वाली पिन पे ग्राउंड लगेगा और इस बोर्ड का भी ग्राउंड लगेगा। ग्राउंड लगा दिया, इसकी जो इनपुट ये यहाँ से इनपुट लेगा, इधर से हमारा कार्ड से इनपुट आ रहा है, ये 6 पिन के वॉल्यूम इस तरीके से लग जाता है, आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये लगा है फर्स्ट वायर, सेकंड वायर, ये लेफ्ट राइट ऑडियो के लगे, और जो बीच में जो लगे हैं ये ऑडियो इनपुट के हैं, ये कार्ड में इनपुट भेजेंगे और ये इसका ग्राउंड है। तो इस तरीके से वॉल्यूम का सर्किट पूरा होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसको पावर कहाँ से देंगे। तो पावर के लिए मैंने 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर रख रखा है, ये इसको यहाँ से बंद चालू करेगा ऐसे ऐसे करके, और यहाँ से इसको 9 वोल्ट दिए जाएंगे और हमारा एम्पलीफायर वर्क करेगा। तो फिर आशा करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आ गया, अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक एक चीज़ आपको बारीकी से क्लियर कर दूंगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें हमको ये सारे वायर कहाँ कनेक्ट करने हैं। तो फ्रेंड्स मैं देखो आपको बता दूँ, यहाँ पर जो लिखा है, देखो यहाँ पर आपको लिखा है, देखो इनपुट 1 आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है, ये लिखा है पहले इनपुट 1 फिर GND ग्राउंड फिर इनपुट 2, तो ये तो हो गए हमारे ऑडियो बोर्ड के मतलब वॉल्यूम के कनेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ लिखा है देखो आउटपुट 2 और आउटपुट देखो आउटपुट प्लस का 2 है और आउटपुट माइनस का 2, उधर साइड में आउटपुट प्लस का 1 और आउटपुट माइनस, मतलब यहाँ पर एक स्पीकर इसका माइनस का यहाँ लगेगा और प्लस का यहाँ लगेगा, दूसरा इसका प्लस माइनस का यहाँ लगेगा और दूसरा, मतलब 2 स्पीकर इसमें बड़े ही आसानी से कनेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें दे रखा है, मैं आपको बता दूँ इसकी जो लाइट के कनेक्शन करने हैं वो कहाँ देने हैं, तो आपको एक तो ग्राउंड कहीं पे भी लगा देना, जहाँ पर GND लिखा हो वहाँ लगा देना, और इसके नीचे वाले पॉइंट से इसको प्लस पॉइंट दे देना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए मैंने इसके वॉल्यूम के कनेक्शन कर दिए, जैसे मैंने आपको बताया था इनपुट फर्स्ट ग्राउंड फिर इनपुट सेकंड, तो उस तरीके से इसकी जो जहाँ से लाइन जो ड्रॉ के आ रही थी, मतलब इसके जो कनेक्शन किधर किधर से घुमड़ के आ रहे थे, वहाँ वहाँ पर मैंने पिन पर लगा दिया। अगर मैं यहीं की यहीं लगाता तो यहाँ पर IC में गचड़ पचड़ हो जाती और ये शॉर्ट हो जाती, आपको भी उसी तरीके से पहचान कर लगा देना। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर पहचान के जो जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रही है वहाँ वहाँ पर मैंने इसके इनपुट लगा दिया और ग्राउंड उसका थोड़ा IC से हटके लगा दिया। जैसे कि ये जैसे मान लो ये स्पीकर की आउटपुट लाइन दे रखी है, देखो ये ऐसी लाइन गई है, तो जहाँ पर भी इसकी मैच कर रही हो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख ली इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ इसमें मैंने देखो अभी आपको बताया था वॉल्यूम के वायर, ओनली वॉल्यूम के वायर बताए थे, अब इसके बाद मैं आपको स्पीकर के वायर बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा था स्पीकर के वायर में, आपको बता दूँ देखो आउटपुट 2 प्लस आउटपुट माइनस, तो आउटपुट प्लस 2 और आउटपुट प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखो मैंने इससे एक जो लाइन आई थी ये एक स्पीकर, देखो ये स्पीकर वायर यहाँ चला गया और ये ब्लैक वाला वो यहाँ से रुके, मतलब ये दोनों स्पीकर के वायर हो गए, एक के लिए ये स्पीकर का वायर हो गया और दूसरे के लिए ये वाला स्पीकर का वायर हो गए। क्योंकि देखो यहाँ पर जो लिखा है आउटपुट 1 और आउटपुट प्लस 2, तो ये होके यहाँ पर इसकी जो 2 पिन आ रही थी मैंने यहाँ पर इसको शॉल्ड कर दिया, इस तरीके से इसके स्पीकर 1 स्पीकर 2 वायर के शॉल्ड कर दिया। दूसरा जो वायर है वो यहाँ से हम बाहर से कोई भी अटैच करना चाहें उसको चलाने के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब बात आती है इसकी लाइट और इसमें पावर देने की। तो देखो लाइट और पावर के तीनों के वायर एक जगह मैंने जोड़ दिए, क्योंकि देखो फ्रेंड्स 9 वोल्ट जो यहाँ से निकलेंगे वो LED लाइट को भी ज़रूरत है, प्प्लस पावर बोर्ड को भी ज़रूरत है, और प्लस यहाँ से USB कार चलाने के लिए 5 वोल्ट को 78.05। तो यहाँ पर मैंने तीनों को वायर को एक साथ जोड़ा, वहाँ से 2 वायर लिए और IC में जोड़ दिए। जैसे देखो IC में यहाँ पर दे रखा था, इसकी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको मैं दिखा दूँ, देखो इसकी जो देखो लास्ट पिन है, इसकी जो लास्ट पिन है उस पर एक वायर लगा दिया, इसकी जो लास्ट पिन थी वो यहाँ पर आके अटैच हो रही है, और इसके देखो ये ग्राउंड दे रखा है, यहाँ पर ये ग्राउंड लगा दिया, ये लास्ट पिन और ये प्लस माइनस, इस तरीके से इसके मैंने वायर कनेक्ट कर दिए और हमारा कंप्लीट सर्किट हो गया। तो आप देख लीजिए, देखो ऑडियो लेफ्ट, ऑडियो राइट और ग्राउंड ऐसे ही।
यहाँ पर ये प्लस पॉइंट उसका हो गया लाइट का और ये माइनस का, यहाँ इसी में तीनों चीज़ मैंने कनेक्ट कर दी, इसकी एलईडी लाइट और इसका 7805 आईसी का यूएसबी कार्ड चलाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से इसकी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है, अब बस हमको इसको टेस्ट करना है। और हाँ, इसके देखो मैं आपको बात करूँ, इसकी जो ऑक्स लीड की मैंने कनेक्शन भी कर दिए, देखो ऑक्स लीड का मैंने जहाँ पर सभी का ग्राउंड लगाया उसी जगह मैंने ग्राउंड लगा दिया और एक वायर इसके इनपुट में दे दिया, क्योंकि यहाँ से अभी मैं ऑक्स लीड से कनेक्ट करके आपको चला के दिखाऊंगा, वो इससे ही चलेगा, तब इसमें सॉन्ग चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख ली, मैंने इसमें लाइट कनेक्ट कर दी है, फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसको यूएसबी कार्ड को ऑक्स मोड पर सेलेक्ट कर दिया है, क्योंकि पीछे से मैं इसको ऑक्स पिन द्वारा इसको चला रहा हूँ। वैसे हालांकि हम इसे ब्लूटूथ से भी चला सकते हैं, एचडी कार्ड से भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अब इसकी आवाज़ को टेस्ट करके दिखाऊंगा ये किस तरीके का साउंड निकालती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके हम इसके वॉल्यूम को धीमे धीमे खोलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके मैं वॉल्यूम को खोल रहा हूँ, तो चलिए फ्रेंड्स इसको खोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा जो किस तरीके से कितनी अच्छी तरह इसकी आवाज़ निकल रही है, तो आप देख लीजिए ऑक्स पिन से इसके साउंड आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।